हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने रसोई में भटूरे का टाइप लेके आई हूँ कि कितने प्रकार का बन सकता है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, ये हम भटूरा बेल रहे हैं। पहले तो गोला होता है जो कि कॉमन होता है, ये सभी लोग बनाते हैं। इसी प्रकार आप कई प्रकार से ये भटूरा तैयार कर सकती हैं। देखिए, जैसे ये गोला है, अब इसके बाद हम दूसरा बनाएंगे। देखिए, ये दूसरा बना रहे हैं। सो गाइस, बच्चों को अगर आप तरह तरह का ऐसे टाइप में बना के देंगी तो बहुत अच्छा लगेगा और बच्चों को भी पसंद आएगा। इसी तरीके से देखिए, ये परेठा का स्टाइल है, जिसे परेठा में बनता है, बस उसी तरीके से ये परेठे की तरह आप बेल लीजिए। दो हो गया। इसी तरीके से आप टीसर का भी सीख सकती हैं। भटूरा दो तीन प्रकार बनाने में बहुत अच्छा लगेगा। अगर कोई आ जा रहा है तो आप कई प्रकार के बना के दे रही हैं तो तारीफ़ करेंगे कि हाँ, देखिए दो तीन तरह का भटूरा वहाँ हमने खाया हुआ था। सो गाइस, इसी तरीके से आप भी परेठे के स्टाइल से बेल लीजिए, जैसे ये परेठा होना है। फ़र्क है कि परेठा में घी लगाया जाता है, ये भटूरा है तो हमें सिंपल ही बेलना है। देखिए, ये दूसरा हो गया है। अब हम आपको इसका तीसरा बताएंगे कि तीसरा किस तरीके से बनता है। देखिए गाइस, दो बन चुका है, अब हम तीसरा बना रहे हैं। देखिए, इसी तरीके से गोला बेल लीजिए। उसके बाद इसे उस तरफ से इस तरफ से मोड़ना है। भटूरा है इसलिए तेल नहीं लगा रहे हैं, अगर यही परेठा रहता है तो अंदर तेल लगता है। देखिए, हमने चारों तरफ से इसे मोड़ लिया है। इसी तरीके से आप भी मोड़ लीजिए। ये चौरस में बन जाएगा, एक नया डिज़ाइन हो जाएगा। त्रिकोण, गोला, चौरस। देखिए, ये तीसरा है हमारा भटूरा। देखिए, हम तीन चार प्रकार के आपको बता रहे हैं, बहुत सरल से बता रहे हैं। अभी ये देखिए, हम ये चौथा बता रहे हैं आपको। इसको सिर्फ लंबा में बेलना है, ना ही गोला ना ही चौकोर, सिर्फ गोला, मतलब ये पूरे लंबाई रहेगी इसकी। देखिए, चौथा है हमारा। चलिए गाइस, अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए, ये गोला वाला हम फ्राई कर रहे हैं, कितना अच्छा फूल रहा है। इसी तरीके से आप चारों टाइप के जो भटूरा बनाए हैं आप इसे तल लीजिए। देखिए, एकदम सॉफ्ट और फूला फूला भटूरा। इसी तरीके से आप भटूरा बना सकती हैं। कोई भी आएगा, खाएगा, तारीफ करेगा। थैंक यू।